जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए मॉन्ट्रियल शिफ्ट हुई तब मैं रहने के लिए कोई सस्ती जगह देख रही थी क्योंकि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मेरे लिए बहुत महंगा था। मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की ने मुझे एक पुराने हॉस्पिटल या अनाथालय के बारे में बताया जिसे हाल ही में विद्यार्थियों के रहने की जगह में तब्दील किया गया था। जब मैं इस जगह गई तो मैं इसकी वास्तुकला को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वो एक पुरानी हवेली जैसी दिखती थी, उसके नुकीले गुंबद, जंग लगी दीवारें वहां सदियों से खड़ी थी। वहां पर एक छोटे कमरे में दो बिस्तर लगाए हुए थे जहां दो लोग एक साथ आराम से रह सकते थे। मेरे साथ रहने वाली लड़की चियो को जापान से आई थी। वो बहुत ही प्यारी थी और मुझे एक बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी। हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था और वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबे गलियारे से गुजरना पड़ता था। पुरानी संरचनाएं होने की वजह से यह इमारत बहुत ही डरावनी लगती थी। गलियारे दिन में भी अंधेरे भरे ही रहते थे और पुराने कालीन और सीलन की दीवारों की बदबू बहुत गंदी थी। अपना स्टडी टेबल लगाते हुए मैंने चियोको से पूछा, क्या तुम्हें रात में यहाँ अजीब नहीं लगता? हाँ, हम सभी को लगता है, इसलिए कोई भी दिन ढलने के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं आता। और यहाँ दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से चियोको अपनी बात खत्म नहीं कर पाई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी हेड वार्डन मिसेस बॉर्जेस गुस्से भरे चेहरा लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जैसे ही चियोको ने उन्हें देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। होली क्रॉस रेसिडेंसी में तुम्हारा स्वागत है, डिनर 30 मिनट में लग जाएगा, लेट मत होना लड़कियों, ओके? मिसेस बॉर्जेस चियोको को घूर कर देखती हुई वहां से चली गई और वो भी उसी वक्त शांत हो गई। मैं उन दोनों के बीच की टेंशन महसूस कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि चियोको मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन मिसेस बॉर्जेस ने उसे आंखों के इशारे से ही उसे सख्त चेतावनी दे दी। गरम गरम नूडल सूप पीने और रोस्टेड चिकन खाने के बाद हम अपने कमरे में वापस आ गए। गलियारे की लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थी जिस वजह से वो इमारत अब पहले से 10 गुना ज्यादा डरावनी लग रही थी। चियोको अपनी पढ़ाई में मग्न हो गई और मैंने आर्टिकल्स की प्रूफ रीडिंग शुरू कर दी। करीब आधी रात होते होते मेरा ध्यान भटक गया क्योंकि मुझे कमरे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। चियोको ने कान में ईयरप्लग्स लगाए हुए थे इसलिए शायद उसे आवाज सुनाई नहीं दी। पैरों के चलने की आवाज अब भागने में बदल चुकी थी और फिर वो अचानक बंद हो गई। मैंने ज्यादा परवाह नहीं की और वापस से अपने काम में लग गए। जब मैंने प्रूफ रीडिंग का काम खत्म किया तो देखा कि चियोको सो चुकी थी। मैंने एक ग्लास पानी पिया और सोने का फैसला कर लिया। मुझे आंखें बंद किए हुए अभी बस 5 ही सेकंड हुए थे कि बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। कोई बच्चा दर्द से करहाते हुए रो रहा था। मैं आधी रात को बच्चे के रोने की आवाज सुनकर हैरान हो गई, लेकिन चियोको को उठाने से पहले मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहती थी, इसलिए मैंने दरवाजा खोला और बाहर गलियारे में चली गई। मुझे इतने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने अपने फोन की टॉर्च जला ली। मेरे फोन की टॉर्च से भी मुझे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने उस तरफ देखा और तभी मैंने एक औरत को देखा। एक औरत नन के कपड़े पहने हुए कॉरिडोर के बीचों बीच घुटने के बल बैठी हुई थी, जैसे वो कोई प्रार्थना कर रही हो। उसका सर नीचे था लेकिन मैं फुसफुसाते हुए सुन सकती थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? उसने मेरी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी और प्रार्थना करती रही। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो नन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई रहने की जगह कैसी आई और उसके बारे में हर चीज काफी संदिग्ध लग रही थी। मैंने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया ताकि मैं उसका चेहरा ठीक से देख पाऊं और तभी उसने भी अपना चेहरा धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया। उसके हाथ जो प्रार्थना के लिए जुड़े हुए थे उन्होंने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, उसकी चमकती हुई डरावनी आंखों ने मेरा दिल दहला दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं डर के मारे वहां कितनी देर खड़ी रही जब तक कि मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास नहीं हुआ। तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गलियारे में कोई नहीं था। चियोको सारी रात मुझसे पूछती रही कि मैं अकेले लॉबी में क्या कर रही थी और मैंने उसे बस इतना बताया कि मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। मैंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि सच कहूं तो मैं नहीं जानती कि वो सब असली था भी या मेरा थका हुआ दिमाग खुद से कुछ बना रहा था। अगले दिन मैंने क्लास से छुट्टी ले ली क्योंकि मुझे थोड़ा बुखार होने की संभावना लग रही थी। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, गलियारे में अकेले घूमने मत जाना, ओके? मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर उससे हाँ कहा। चियोको चली गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा बुखार और बुरा होता गया। मैं मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पा रही थी क्योंकि बुखार बढ़ चुका था। मेरा सर दर्द से चकरा रहा था और मैं इतना कमजोर महसूस कर रही थी कि बिस्तर के बगल में लगे हुए लैंप तक को जला नहीं पाई। जैसे ही सूरज ढला कमरे में अंधेरा छा गया।
कमरे से आ रही खरोंच की आवाज से मेरी नींद से भरी आंखें खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी को नाखूनों से खरोंच रहा हो। कमरे में लगी अलमारी को खुद ब खुद खुलते हुए देख मेरी सांसें फूलने लगी। कौन है वह? और फिर वो अलमारी से बाहर आई, वही नन जिसे मैंने कल रात गलियारे में देखा था। उसके हाथ अभी भी प्रार्थना के लिए जुड़े हुए थे, उसका सर नीचे था। वो शांति से प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उसे डर से भरी अपनी आंखों से देखा। मुझे एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है। वो मेरे बिस्तर तक आई और मेरे पास आकर रुक गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले और ना ही कोई चिल्लाने की आवाज। उसने अपनी बाहें ऐसी फैलाई जैसे वो खुद भगवान होने का एहसास दिला रही हूँ। उसके चेहरे ने मुझे देखते हुए घूरा और तब पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। जो कहानी अभी आपने देखी वो मॉन्ट्रियल में बने ग्रे नंस मदर हाउस पर आधारित है। 1918 वैलेंटाइंस डे वाले दिन उस अनाथालय में एक बहुत ही दुखद घटना घटी जिसमें 53 बच्चों की मौत हो गई। इस इमारत के तहखाने में नन और बच्चों को मिलाकर करीब 300 शव दफनाए गए। 2007 में कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी ने इस इमारत को खरीद कर इसे विद्यार्थियों के रहने की जगह बना दी। तभी से कुछ विद्यार्थियों ने आगे के विचित्र दृश्य, शोर और बुरे सपने देखने का उल्लेख किया, जिसमें कुछ मंजिलों पर बच्चों और महिलाओं की चीख सुनना भी शामिल है। एक केस ऐसा भी था जिसमें एक विद्यार्थी को लगातार बुरे सपने आने लगे, जिस वजह से उसे फौरन इमारत छोड़कर जाना पड़ा। Oh God, शायद मैं बहुत थक गया। हेलो मैम, क्या सब ठीक है? क्यों, क्या कुछ हुआ? यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 6694 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 6694 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। मैम रुकिए, आप कहाँ जा रही? हे रुको मैम, पीछे हटिए प्लीज, बचाइए बचाइए। नहीं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम वापस आ जाओगे। मैं नहीं आ सकती, कल मेरी शादी हो रही है रायन। ये क्या बकवास है एंजेला? हमारा क्या, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो मुझे जाना होगा। एंजेला, एंजेला, उसने फोन काट दिया। एंजेला, हेलो हेलो, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? चली जाओ यहाँ से। एंजेला मुझे छोड़कर चली गई, वो चिड़ैल, वो मुझे छोड़कर चली गई। ये ऐसे क्यों चल रही है? हे, क्या तुम समझ में नहीं आया, मुझे अकेला छोड़ो। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? ओह जीसस, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। अब मेरे रास्ते से हटो। हे भगवान, कौन कौन हो तुम? क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? ओह वो मेरे पीछे थी, उसने मेरा पीछा किया, उसने मुझे चुना उसका चेहरा। रेड नीडल स्ट्रीट पर आज सुबह एक आदमी बेहोशी की हालत में पाया गया।
आसपास के लोगों ने उसे फुटपाथ पर गिरा हुआ देखा और उन्हें लगा कि वो मर चुका है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गए, वो उन्हें पता लगा कि रायन आंकी पॉल नाम का आदमी सदमे लगने की वजह से बेहोश हो गया है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और उन्होंने उस आदमी को हॉस्पिटल भेज दिया। रायन बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था और साथ ही साथ बड़बड़ा रहा था कि कल रात उसने काले कपड़े पहने किसी नन को देखा। पुलिसकर्मी किसी को भी रायन के पास जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ जाने की वजह से रायन का मानसिक संतुलन अभी बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगर रायन सच कह रहा है तो क्या होगा अगर उसने वाकई में कोई काले लड़के पहनी नन देखी हो? और जानकारी के लिए आप सभी लोग सुबह की खबरों पर नजर लगाए रखिएगा। मैं हूं आपका रिपोर्टर मिलर लाइव। एक कॉफी ब्रेक लेते हैं, ओके? अब बस भी करो मैथ्यू, भूत प्रेत ऐसी कोई चीज नहीं होती, ओके? उस आदमी ने शराब पी हुई थी और वो कुछ भी बोल रहा था। तुम चाहते हो कि मैं आज रात वापस आ जाऊं? लेकिन मैं बता रहा हूं, ये सब धोखा है। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, चल घर जाओ, थोड़ा आराम करो, हमें आज रात थोड़ा काम करना होगा। शांत रहना, बिल्कुल शांत। लेकिन अब बैंक के अंदर क्यों जा रहे हैं? यहाँ रात है और बहुत डरावना है, किसी ने हमें पकड़ लिया तो। मुंह बंद रखो, कोई हमें नहीं देख पाएगा, बस कुछ छूना मत, हम सिर्फ पीछे वाले बगीचे के अंदर जाएंगे। क्या, क्यों? अगर तुम हल्का होना है तो यहाँ। हाँ तो कहीं चार नहीं, मुझे हल्का नहीं होना है। एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो, ओके? कुछ मेरे पीछे से कुछ गुजर कर गया। हाँ जरूर, मैं पहले से एक हत्या की कहानी जो कि एक भूत की कहानी में बदल गई है उसे कवर कर रहा हूँ। अब तुम और कोई नई बातें ना बनाओ, मुझे टॉर्च दो, लगता है कि मैंने किसी को वहां देखा है। चार्ली, चार्ली, हाथ है, वो डरपोक जरूर भाग गया होगा। ये क्या 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 सच में हो रहा है? क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को द नन मूवी दिखाई थी, उसी रात से मेरी सभी समस्याएं शुरू हुई। मुझे ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर तुम मुझे ऐसी चीजें सोने से पहले क्यों दिखाते हो? ताकि तुम मुझे अपने सीने से लगा कर सो जाओ। क्या हम प्लीज इसे देखना बंद कर सकते हैं? क्यों, मुझे लगा कि तुम एक बहादुर लड़की हो। मुझे जेनी को इस तरह परेशान करना अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बार द नन देखने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जब द नन को स्क्रीन पर दिखाया गया तो वो एक बार भी नहीं चिल्लाई, उसके चेहरे पर डर था लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं छुपकाई। मैंने देखा कि जब उसने द नन के भयानक चेहरे को देखा तो उसकी आंखें की पुतलियां पड़ी हो गई, वो अचानक चुप हो गई। बेब, क्या तुम ठीक हो? वो एकदम से गंभीर हो गई। हम बाकी बची हुई फिल्म बिल्कुल शांति से देखते हैं। जब आखिर के क्रेडिट्स आने लगे तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो अब सो जाते हैं। लेकिन जेनी वहां बैठी रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जेन, उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थी, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फिल्म से मोहित हो गई है। इस बार मैंने उसे धक्का दिया। हे जेन, क्या हुआ? भाई फिल्म खत्म हो चुकी है, चलो अब सो जाए। सो जाए, ठीक है, ओके। वो धीरे से उठी और बेडरूम की तरफ जाने लगी। अंदर घुसते ही उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आखिर वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी? मैंने टीवी बंद कर दी और बेडरूम की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा का नॉब घुमाया, मुझे मालूम पड़ा कि वो अंदर से बंद था। जेनी, जेनी, तुमने दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया है? मैं बार बार दरवाजा खटखटा रहा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जेन, क्या तुम उससे नाराज हो? मुझे माफ करो, ओके? अब हम कोई डरावनी फिल्म नहीं देखेंगे। अब दरवाजा खोल दो बेब, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे अकेला छोड़ दो। जेनी की आवाज में अजीब सा गुस्सा था। मुझे लगा कि शायद इस बार मैंने हद से ज्यादा मजाक कर दिया है, शायद मुझे ऐसी ये फिल्म नहीं दिखानी चाहिए थी। खुद से निराश होकर मैंने अपना बिस्तर लिविंग रूम के सोफे पर लगा लिया। आखिर मैं और क्या ही कर सकता था, मैं बहुत थका हुआ था और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। मैंने तय किया कि मैं सुबह उसे मना लूंगा। मैं इतना थका हुआ था कि अब मुझसे आंखें भी खुली नहीं जा रही थी। गुड नाइट बेब।
मुझे नहीं याद कि उस वक्त तक क्या टाइम हो रहा था, लेकिन भारी सांसों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। मेरी नजर बेडरूम के आधे खुले हुए दरवाजे पर गई। जेनी, मैं बेडरूम के अंदर नहीं देख पा रहा था क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। मैंने जेनी की आवाज सुनने का इंतजार किया। मुझे लगा कि वो मुझे अंदर बुलाएगी, लेकिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। चीज जेनी, तुम क्या कर रही हो? अब कौन डरा हुआ है? जेनी बहुत ही डरावने तरीके से मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे के शैतानी मुस्कान ने मुझे लगभग हार्ट अटैक दे दिया। मैं उसके इस तमाशे के लिए उससे लड़ने ही वाला था कि अचानक बेडरूम की तरफ वापस जाने लगी। अंदर घुसने से ठीक पहले वो मुड़ी और उसने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाकर मुझे देखा। उसकी कभी न झपकती निगाहों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस करो चैन, ये कोई मजाक नहीं है। अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ सकते हो। वो अंदर चली गई, लेकिन इस बार उसने पीछे से दरवाजा बंद नहीं किया। खुले हुए दरवाजे से मैंने उसे मुझे झांकते हुए देखा। आखिर वो इतनी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही थी, जबकि मैं एक आरामदायक बिस्तर पर सोना चाहता था। लेकिन मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सकूं। उस रात के बाद उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे किचन से कुछ जलने की बदबू आने लगी, और फिर अचानक से फायर अलार्म बजने लगा। मैं देखने के लिए उठा तो गैस पर रखा नाश्ता जल रहा था, और जेनी सिंह के पास एक बेजान पुतले की तरह खड़ी हुई थी। ओह माय गॉड, क्या तुम घर जलाना चाहती हो जेनी? मैं किचन के स्टोव तक गया और मैंने उसे बंद कर दिया। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से मैंने आग भी बुझा दी। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि जेनी को अब तक होश नहीं था। वो खुले पानी के नीचे जमे हुए चिकन को लेकर खड़ी थी और बिना अपनी आंख झपकाए बस उसे देख रही थी। मेरा गुस्सा परवान चढ़ गया और मैं उस पर चिल्लाया। जेनी देखो, मैं तुम्हें कल रात उस फिल्म को दिखाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम हद पार कर रही हो? मेरा मतलब है कि कितना बचकानी हरकत है यार, तुम एक जिम्मेदार इंसान की तरह पेश आओ वरना। क्या तुम्हें लगता है कि ये जिंदा चिकन का मांस निकलता होगा? मैं इस तरह के सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। क्या ये चिकन, जब इसका मांस निकाला गया तो ये जिंदा था या पहले इसकी गर्दन काटी गई? जेनी बेब, अब तो मुझे डरा रही हूँ। अब मैं इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं शावर लेने जा रही हूँ, क्या तुम साथ आ रहे हो? उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और चली गई। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि फिल्म द नन ने मेरी गर्लफ्रेंड के दिमाग पर भारी असर कर दिया है। मैंने इंटरनेट पर खोज शुरू की, जहाँ लोगों पर डरावनी फिल्म देखने के बाद अजीब बर्ताव करने का असर देखा गया है। उसमें लिखा था कि हर किसी का दिल मजबूत नहीं होता। मैंने जेनी के लिए एक मनोचिकित्सक से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी पतलून गीली कर दी। मैं जेनी के साथ सोने से घबराया हुआ था, इसलिए मैं उस दिन भी सोफे पर ही सो गया। लेकिन इस बार मेरी नजर बेडरूम के दरवाजे पर ही थी। मैं देखना चाहता था कि कहीं इस बार भी जेनी आधी रात को मेरे पास बाहर तो नहीं आती। मुझे याद नहीं कि मेरी आंख कब लगी, लेकिन एक डरावनी हंसी से मेरी आंख खुली। मैंने एक बेसबॉल बैट लिया और सोफे के पास छुप गया। मेरा मतलब है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर किसी राक्षस का वास है तो मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। मैं जानता हूँ कि ये सब सुनने में बकवास लगता है, लेकिन सच मानिए, जब मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला मेरे होश उड़ गए। मुझे जेनी के लिए डर लग रहा था, मुझे अपने लिए डर लग रहा था। बेडरूम बुरी तरह से तहस नहस था, जैसे वहां कोई तूफान आया हो। नाइट लैंप की हल्की रोशनी से मैंने दीवारों की तरफ देखा। सभी दीवारों पर वलक लिखा हुआ था और जेनी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। जेनी, जेनी, तुम्हें क्या हो रहा है? उसने मेरी तरफ देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जेनी ने अपने चेहरे पर दंदन की तरह सफेद पेंट लगा लिया था, यहाँ तक कि उसने कपड़े भी उसी तरह पहने थे। वो अजीब बर्ताव कर रही थी और पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ही वजह से आज जेनी ये हालत में है। मुझे उसे ये फिल्म दिखाने के लिए शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो पागलों की तरह हंसती रही और मैं रोने और चिल्लाने की सिवाय कुछ नहीं कर पाया। नहीं, नहीं, आखिर मैंने क्या कर दिया है?